जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेरे पास में क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर आपने तैयारी कैसे की, आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए और कैसे हम तैयारी करें SSC GD की या आर्मी की या और भी जो आपके एग्जाम हो उसकी, कि आपने तैयारी कैसे की थी, किस प्रकार से आपकी तैयारी थी, तो उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंक्वायरी आती है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज लाडलो और लाडलियों के लिए ये वीडियो बना दूं ताकि उनको क्लियर हो जाए कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है लाड लो, तो मैं आपको अपनी तैयारी की कुछ रणनीतियां बता रहा हूं, आप उनसे जरूर रिलेट करिए, आप उसी प्रकार तैयारी करिए, आपको जरूर फायदा होगा। लाड लो, अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे बच्चे जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज हो गई है तो RPF पोस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप करिए। लाड लो, वो सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि वेट करते हैं नोटिफिकेशन का। किसका वेट करते हैं? नोटिफिकेशन का, कि जब नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन जब आएगी तब क्या करेंगे, तैयारी करेंगे जी, और वो तैयारी क्या होती है, वो तैयारी हो जाती है फेल। लाडो, सबसे ज्यादा जो जरूरी है मेरे से अगर आप पूछोगे कि सर किसकी तैयारी करनी है, तो सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तैयारी में तो वो है नियमितता। भले ही आप दिन में 3 घंटे पढ़ो, कितने घंटे, 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन नियमित रूप से पढ़ो। पहली बात, सबसे पहली बात क्या है, नियमित रूप से पढ़ो। भले 2 घंटे पढ़ो चाहे 3 घंटे पढ़ो, नियमित रूप से आपको पढ़ना है। नियमित रूप से कैसे पढ़ना, देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में मान लो आपका एग्जाम दूर है या आपका पढ़ने का दिल नहीं करता है, तो आपको एक रूटीन बना लेना जिस समय आप अपने यार दोस्तों के साथ सबसे कम। ठीक है, मेरे यही था, मैं सबसे पहले जब भी मैं पढ़ता था मेरा फिक्स नियम था, मुझे पता था कि मैं कितने बजे उठता हूँ, सुबह 5 AM पर। और जितने भी मेरे गाँव में जो पंचायत होती थी या जो लोग बैठते थे यार मजाकिया करने वाले या खेलने वाले, वो सभी कितने बजे से गेम शुरू करते थे, 8 AM के बाद में, यानी 8 बजे बाद। तो मैं क्या करता था, 5 बजे उठ के और 3 घंटे पढ़ लेता था। ठीक है, पढ़ लिया, फिर इनके साथ में गेम भी खेल लेते थे, गेम खेलने भी चले जाते थे या कहीं टोर मारने, क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने चले जाते थे, कोई टेंशन नहीं था। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तभी तो आपको टेंशन नहीं। तो 3 घंटे इस टाइम पे पढ़ लिया, फिर मुझे पता था ये दोपहर में या कहीं गेम खेल के आए, लेकिन शाम को फिक्स था कि शाम को अगर घर पे आ गए हैं तो 7 बजे आ गए, खाना वाना खा के 8 बजे से फिर फिक्स कर लिया कि भाई 10 बजे तक पढ़ना है, तो 2 घंटे और पढ़ लिया। अब कितने घंटे स्टडी होगी, यानी 5 घंटे मेरी निरंतर स्टडी हो गई है। ये घंटे मैं हमेशा अपनी स्टडी को देता था 5 घंटे, और क्या करता था, दिन में खेलता कूदता भी था और अपने से मजे भी करते थे। तो मेरे यार दोस्त हमेशा बोलते, अरे तेरे नंबर अच्छे कैसे आए, तेरा सिलेक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि मैं उन्होंने क्या किया था कि जब एग्जाम सर पर आया ना, फॉर्म भर के अप्लाई किया और जब एग्जाम की डेट आई तब उन्होंने क्या किया, दिन में 8-8 घंटे पढ़ना शुरू किया, 10-10 घंटे पढ़ना शुरू किया। वो बेकार है जी, आप 8 घंटे पढ़ लो चाहे 12 घंटे, 12 घंटे भी पढ़ लोगे, मुझे एक बात तो मैं आपको 4 दिन भूखा रख के क्या आपको बोल दूंगा कि आप 16 रोटी खा लो, कोई खा लेगा, है कोई माइका लाल जो खा लेगा, नहीं खा पाएगा। लाड दो, एक चीज और मैं बता दूं साथ में, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर बुक है SSC GD के लिए, बहुत ही शानदार बुक है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिए, इसमें प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल के कुछ पेपर भी दिए हुए हैं। ठीक है, पिछले साल के साथ में मॉडल पेपर दिए हुए अच्छे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप परचेस कर सकते हो, अभी भी आप घर पर अवेलेबल होगी लॉकडाउन में भी, और आप इससे जरूर पढ़िए ताकि आपको इसको सिलेबस समझ में आए। ठीक है लाड लो, तो अगर आपको बुक की नीड है तो ये जरूर आप ले सकते हैं। चलिए अब बताता हूं, तो क्या होता था कि मान लो 5 घंटे पढ़ लिया, उनको लगता था कि मैं उनके साथ में सिर्फ खेल ही रहा, ऐसा नहीं था। तो मुझे बताओ कि आपको दे दिया मैंने कि ये लो 4 दिन भूखे रह लो फिर खा लो एक साथ, खा पाओगे नहीं। तो जो ऐसा काम करते हैं ना, ये सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, ये हर बार बस तैयारी करती है। इसलिए आपको कौन सा काम करना है, आपको ये करना है, हर रोज का रूटीन सेट करना है कि कम से कम मैं 4 से 5 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकालूं, और जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए, मैं अपनी बता रहा हूं, फिर मेरे नोटिफिकेशन आई, मैंने फिजिकल फाइट कर लिया, अब मैंने, मेरे को पता था कि अब 3 महीने का समय बचा, कितना, 3 महीने का समय बचा था, लेकिन उस समय मैं तो चलो पढ़ाता था, लेकिन 3 महीने का समय बचा तो इसमें धीरे धीरे फिर मैंने पढ़ना, जो 5 घंटे की स्टडी टाइम था इसको बढ़ा के 7 घंटे पे ले आया, और जब लास्ट एग्जाम का टाइम बचा तब 8-8 घंटे भी पढ़ने लग गया, 8-9 घंटे 10 घंटे जितना दिल होता था, क्योंकि लगना था भाई जॉब तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तो ऐसे भी पढ़ने लग गया, तो फिर नंबर आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता जो निरंतर। अब इनमें पता क्या होता है, इनमें जो सबसे बड़ी जो गलतियां करते हैं ना आप, वो पता क्या करते हैं, पहले तैयारी करते नहीं, जब एग्जाम आता है, एग्जाम सर पर होता ना, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं जोरों से, भाई दिमाग है ब्लास्ट हो जाएगा क्या, याद ही नहीं रहेगा आपको। अब फिर बोलते हैं अरे मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता, अरे याद होगा कहां से, याद किससे होता है, निरंतरता रखने से याद होती है चीजें। ठीक है, निरंतरता, जब तक आप कोई भी चीज ऐसा कर लीजिए, अगर आप उसमें निरंतर, मैं मान लो रनिंग कर रहा हूं, छोटा सा उदाहरण,
मैं हर रोज रनिंग कर रहा हूँ, हर रोज रनिंग कर रहा हूँ, मेरा शरीर क्या हो जाएगा उसके लिए सेटअप हो जाएगा, फिर मैं रनिंग करूंगा प्रॉब्लम। अगर मैंने 6 महीने रनिंग नहीं की और फिर मैं शूट मार लूंगा 1600 मीटर का, नहीं मार पाऊंगा, कोई नहीं मार पाएगा, उसेन बोल्ट भी नहीं मार पाएगा इस दुनिया में, उसका भी सांस फूल जाएगा। निरंतरता, प्रैक्टिस में के मेन परफेक्ट, निरंतरता आपको रखनी है। इसीलिए निरंतरता में सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी प्रेजेंट टाइम में ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 घंटे अभी आपको पढ़ने हैं, जब तक आपको लगता है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आई, कम से कम इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा पढ़ते हो वो बेटर है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आपको लगे कि हाँ भाई अब भर्ती आने वाली है, तो इस समय को क्या करना है, 8-9 घंटे पे लेके जाना है, और जब एग्जाम का समय आए तो इस समय को 8 से 10 घंटे पे लेके जाना है, और फिर जितना आप पढ़ सको उतना पढ़, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या लाड लो, निरंतरता। पढ़ने का टाइम कैसे सेट करें, पढ़ने का टाइम आप देखिए कि आप अपने यार दोस्तों के साथ, या आपका कौन सा टाइम है जो सबसे ज्यादा आप व्यतीत करते हो अपने यार दोस्तों के साथ, या अपने परिवार के साथ, या अपने खेल कूद में, तो वो टाइम ना चुने, क्यों, अगर आपने उस टाइम पे पंगा लिया ना तो आपका दिमाग टिकेगा नहीं, आपका दिमाग बार बार उसी जगह जाएगा, उस टाइम पंगा नहीं ले। आप ये सोच लीजिए, जैसे आप मान लो आप खेलना जाते हो शाम को 3 PM, तो इससे आप 6 PM तक जाते हो, तो आपको फिर कौन सा टाइम चुनना चाहिए, आपको फिर टाइम चुनना चाहिए 8 PM का, क्योंकि आप खेल के आ गए, आपको संतुष्टि है, 8 PM से फिर आप 11 PM या 10 PM तक पढ़ सकते हो। सुबह आप मान लो पता है कि आपका जो महफिल मंडली बनती है, आप गेम खेलने जाते हो 8 AM या 9 AM तक, तो सुबह जल्दी उठिए 5 AM पर और पढ़ लीजिए 3 घंटे 8 तक, 3 और 3 6 घंटे की स्टडी, और आपकी स्टडी भी होती रहेगी, आपको खुद को पता नहीं चलेगा ना यार दोस्तों को, तो मतलब स्टडी करनी है। इस प्रकार से निरंतरता बनाइए और फिर देखिए आपका नंबर अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपका किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में नंबर होगा, ये गारंटी है मेरी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। लेकिन निरंतरता आपको बनाए रखनी है, क्योंकि एक साथ 10 दिन का भोजन नहीं खाया जा सकता, निरंतर ही खाना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इससे क्या होगा, आपकी जैसे निरंतर पढ़े आपकी पढ़ाई की रुचि बढ़ेगी, आपकी बैठने की क्षमता बढ़ेगी, और जब एग्जाम सर पर होगा तो और ज्यादा क्षमता आपकी बैठने की बन जाएगी, तो उससे आपको काफी सारे फायदे होने वाले हैं लाड, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना और इसमें गलती नहीं करना, अभी से पढ़ना शुरू करिए, आपका नंबर पक्का होगा लाड लो। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर